हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मीटियोर 350 का माइलेज टेस्ट करेंगे। तो देखेंगे कि सेकंड सर्विस के बाद हमारा मीटियोर कितना माइलेज देता है। मेरे गाड़ी को अभी 4 मंथ हुआ है, फर्स्ट सर्विस ख़त्म हुआ है, सेकंड सर्विस 5000 किलोमीटर पर होगा। तो इसमें हम 250 ml पेट्रोल डालेंगे और उसको ×4 कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हम पेट्रोल डाल रहे हैं 250 ml, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 203.5 किलोमीटर चला है। तो देखेंगे 250 ml में कितना एवरेज हमें देता है यह गाड़ी, उसके बाद इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें हम गाड़ी को 50 से लेकर 60 के बीच में ही चलाएंगे, उससे हाई स्पीड में नहीं चलाएंगे। उसका कितना एवरेज आता है देखेंगे इसमें। तो अभी आप देख सकते हैं 4.8 किलोमीटर हो चुका है। तो इसमें हम सिटी हाईवे दोनों में गाड़ी को चलाएंगे और देखेंगे कितना एवरेज निकल के आता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, हम नाइट पे निकले हैं। तो गाइस, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें इसी तरह के जानकारी पाने के लिए, और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, मेरा गाड़ी को अभी 2 से 4 महीना ही हुआ है, उसके बीच में मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि अभी तक मेरा गाड़ी जो है 2000 किलोमीटर भी नहीं चला है, 1800 किलोमीटर चला है अभी तक। तो मेरा गाड़ी का एक ही सर्विसिंग ख़त्म हुआ है, जो कि फास्ट सर्विसिंग होता है 500 किलोमीटर पे। तो मैं एक सर्विसिंग किया हूँ, उसके बाद मैं माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ कितना देता है, हम देखेंगे वीडियो के आगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 208.4 किलोमीटर चल चुका है अभी तक हमारा गाड़ी। अभी तक जो है 5 किलोमीटर चल चुका है। इसके पहले और एक बार मैं माइलेज टेस्ट किया था, तो उस टाइम मेरा गाड़ी जो है 35 से 36 किलोमीटर एवरेज दिखा रहा था, लेकिन इस बार हम देखेंगे कितना आता है। ओवर स्पीड हम नहीं करेंगे, इसमें नॉर्मल ही चलाएंगे, 60 से लेकर 70 के बीच में चलाएंगे, जो नॉर्मल स्पीड होता है उसके अंदर ही चलाएंगे। ओवर स्पीड नहीं करेंगे, नॉर्मल वे पे चलाएंगे हम, देखेंगे कितना एवरेज आता है। तो अभी आप देख सकते हैं 216 किलोमीटर हो चुका है। तो गाइस, अभी थोड़ा लगता है कि पेट्रोल ख़त्म हुआ शायद हो चुका है, उसके वजह से थोड़ा थोड़ा झटका महसूस हो रहा है, जैसे कि अभी हो गया ख़त्म। हम गाड़ी को रोक चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कितना किलोमीटर हुआ है। ज़्यादा हम गाड़ी को लोड नहीं देंगे, एक दो बार झटका देने के बाद हम बंद कर दिए हैं गाड़ी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं 216.3 किलोमीटर हुआ है। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हो रहा है 51.3 किलोमीटर। मतलब इतना इमेजिन रिजल्ट मैं सोच भी नहीं सकता कि 51 किलोमीटर मीटियोर दिखा रहा है, इतना ज़्यादा माइलेज आएगा बोल के मैं तो सोचा भी नहीं था। अगर हम 1.3 किलोमीटर को छोड़ देते हैं तब भी हमारा जो होता है 50 किलोमीटर हो रहा है, मतलब कि हमें 50 किलोमीटर माइलेज दिखा रहा है, मैं तो सोचा भी नहीं था इतना दिखाएगा बोल के। तो फ्रेंड्स, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।